हाय मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द हमारा एक ही लक्ष्य है रियल मार्केट से और आपके सामने मार्केट में रोज नए ब्रेकआउट्स पर ब्रेकआउट बनते जा रहे हैं काफी सारे लोगों को स्टॉक्स में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना भी पसंद है लेकिन इनको सही तरीका नहीं पता है तो आज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन करेंगे और आज के हमारे जो गेस्ट है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है ही इज़ अ वेल पब्लिश्ड ऑथर एज वेल इनकी जो टेक्निकल एनालिसिस पे लिखी हुई बुक है वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में आती है इन्हें टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेनिंग का काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है और ये फिलहाल खुद प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं एल्गोरिद्म में और चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग भी करते हैं तो और ट्विटर पे इनको हम चार्ट मोजो के नाम से ज्यादा पॉपुलरिटी के साथ जानते हैं तो चलिए स्वागत करते हैं सुनील गुर्जर जी का सुनील जी वेलकम टू आर शो वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। Yeah, so Apurva ji, uh, it's my pleasure to be on the show. And uh, as always, uh, you're doing a good work. And uh, I have also been looking at your videos uh, uh, more often than not. Okay. And uh, uh, they are very insightful. Uh, so, uh, yeah, uh, once again, I would like to say thank you so much for calling me here. And it's my pleasure to be here. So, I started my journey way back in uh, uh, my grad. So, when I was doing my BMS, okay. So, I, if, if I'm not mistaken, I was in my SY BMS. टाइम टाइम आई स्टार्टेड माय जर्नी विद द स्टॉक मार्केट सो वो पे क्या होता था कि हमारे जो फ्रेंड्स होते थे कॉलेज uh, के uh, वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते थे तो uh, तभी पता चलता था कि यू नो फ्रेंड्स लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको आईपीओ लग रहा है और भाग रहा है शेयर सो दैट टाइम बेसिकली यू नो जब आप

फिर पता चला कि निफ्टी करके कुछ तो होता है और सेंसेक्स uh, होता है देन गो टू लर्न अबाउट स्टॉक्स सो आई वाज डूइंग माय बीएमएस एंड आई हैड सब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस कैपिटल मार्केट एंड वेल्थ मैनेजमेंट एंड सो ऑन तो धीरे धीरे पता चला फिर uh, वो टाइम से फिर हमने टेक्निकल uh, एनालिसिस uh, की दुनिया में जंप लगाया क्योंकि तभी पता चला कि अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए तो फिर टेक्निकल uh, एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो दो तीन साल तो लॉस ही किया ठीक है मतलब वो टाइम पे बहुत सारे स्टॉक थे बालमलोरी शिल्पी केबल ठीक है लाइक ये स्टॉक्स अपर सर्किट और सीधा दूसरे दिन लोअर सर्किट शिल्पी केबल वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओके सो ये सब बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे लुटाए फिर धीरे धीरे पता चला कि uh, आपको सट्टा नहीं करना है यू हैव टू स्टडी कंपनी यू हैव टू स्टडी कंपनी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सो वो और डीपली सीखा फिर पता चला कि स्टॉप लॉस करके कुछ होता है ओके सो धीरे 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 सीखा एंड देन आई आई ज्वाइंट कंपनी कॉल्ड इंडिया निवेश ओके तो ऑलरेडी दो तीन साल हो गया था टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था बहुत सारी बुक्स पढ़ चुके थे हम जोसेफ मर्फी की एडवर्ड मकी की और मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर थे उनकी बुक्स पढ़ मतलब वो सारी बुक्स को पढ़ लिया था तो फिर बाद में uh, एक कंपनी थी इंडिया निवेश वहां पे इंटर्नशिप लगा तो वहां पे यू uh, नो you know, थोड़ा फंडामेंटल के बारे में जानने मिला कि यू नो हाउ डू यू रीड द बैलेंस शीट हाउ डू यू रीड द अकाउंट एंड आइडेंटिफाई की डज द कंपनी हैव वर्थ फॉर इन्वेस्टिंग दैट मनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वहां से थोड़ा ये पता चला तो फिर वहाँ होता क्या था कि बहुत सारे इंटर्न आते थे वहां पे मतलब हम लोग का ऐसा बैचेस होता था तो वो कंपनी क्या करती थी कि टाइप करती थी बड़े बड़े के साथ में वहां, वहां गए तो बहुत सारे स्टूडेंट आते थे तो काइंड ऑफ आई वॉज नोइंग एनालिसिस बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग इट सिंस लास्ट थ्री इयर्स जब मैंने वो uh, start की थी 2017 में और मैं दो हजार से इंटर्नशिप मतलब टेक्निकल स्टार्ट कर दिया था तो वहां पे बेसिकली आई डिड नॉट है स्टिपलेटेड ट्रेनर वो स्टीचिंग में टेक्निकल एनालिसिस तो क्या हुआ कि मेरी टेक्निकल एनालिसिस सिखाने लग गया वहां पर तो so, हमारे साथ तीस तीस पचास पचास जन का बैच था जो so, वहाँ पे इंटर्नशिप करनाते थे तो वहीं पर मैंने इंटर्नशिप uh, के अंदर ही टेक्निकल एनलिसिस सिखाना स्टार्ट कर दिया जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे मेरी बैच के अंदर और फिर धीरे 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 माई बॉस ऑके आई मीन द कंपनी हायर्ड मी आई आई बेसिकली गॉड अ जॉब देयर सो आई वर्किंग आई स्टार्ट वर्किंग देयर एज अ फाइनेंशियल ट्रेनर okay so my job was to teach technical analysis to the grades undergrads, and mba students so then indian university started with so-called very big b schools like uh, jamnal al -Bajaj, uh, you know uh, simsri uh, your uh, like you know uh, your, your uh, ismi also which is the india's best entrepreneurship college so bahasa student i started teaching them all so then uh, that time i was trading okay so then i jumped into derivative segment ओके एट दैट पॉइंट टाइम दें आई चेंज माई कंपनी फ्रॉम इंडिया इवेस्ट टू आई एफ एल सिक्योरिटीज इन आएफ एल सिक्योरिटी आई वॉज अ फाइनेंशियल ट्रेनर सो दिस माई जर्नी वेंट ऑन एंड आई आइंट स्टार्टअपो जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डज द स्टार्टअप इको सिस्टम आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन माई ओन ओके आई वॉन्टेड टू स्टार्ट स्टार्टअप विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मार्केट सो आई वॉज जिस वॉन्टिंग एंड क्यूरियस टू अंडरस्टैंड की यह सारे स्टार्टअप काम कैसे करते हैं ओके सो आई जॉइंट कंपनी कोल्ड फिनोवेट कैपिटल सो वहाँ पे माई जब वॉज Uh, basically to read the balance sheet and p account and identify key uh, does that company have the credit worthiness to give the money back in the years to come so my company was giving loans okay uh, uh, so the, that that company was doing bill discounting to so i was working as a credit analyst there uh, so i worked there

डेफिनेट तो नहीं बट बहुत ही ज्यादा सर्टन कह सकते हो सकती है सो so, इन सब के बीच में ये जो आपने बुक लिखी है उसके बारे में हमें बताइए कि आपने अब तक एक बुक ऑलरेडी पब्लिश कर दी और बहुत सारी और पाइपलाइन में भी है तो कैन यू ब्रीफली टेल अस अबाउट द बुक्स दैट यू हैव बीन राइटिंग सो फार सो माय बुक नेम इज मेक मनी विद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एंड आई पेन दैट बुक डाउन एंड आई गेस बेस्ट सेलिंग ऑन फ्लिपकार काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है मार्केट्स की भी और एज एन ऑथर एज वेल सो वी होप और भी ज्यादा बुक्स आपकी पब्लिश हो और भी सक्सेसफुल हो और लोगों को एडुकेट करे Definitely, so, definitely. Um, let's let's start. Yeah, so टली डेफिनेटलीट्सिंग विद सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि to swing होता क्या है तो hai ki का मतलब market है कि ये जो hota के अंदर जो jo होता है higher का जो higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, या फिर साइड sideways में भी घूम रहा है वो जो ghumta है from support to resistance, okay? तो उसकी जो जर्नी होती है कोई भी शेयर की कोई भी सिक्योरिटी की फ्रॉम सपोर्ट टू resistance और फ्रॉम लोअर ऑफ द स्विंग टू द हायर ऑफ द स्विंग इन अप्रेंड उसको बोलते हैं एक स्विंग अगर कोई भी वो स्विंग को पकड़ के ट्रेड करता है उसको बोला जाता है एक स्विंग ट्रेडर और, so, और यहाँ पे समझो कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो ये जो प्राइस मूव आया है नीचे से ऊपर तक ओके ये जो आप मूव को पकड़ोगे ओके फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्विंग टू हाई ऑफ द स्विंग ओके अभी इसको समझेंगे कि कैसे पकड़ते हैं स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा और कैसे पोजिशन को बनाएंगे बट बाय लार्ज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई भी ट्रेड करता है बाय कैचिंग द स्विंग्स ओके या फिर कोई ब्रेकआउट से लेगा जो भी ये स्विंग और पिवोट पॉइंट्स को पकड़ के ट्रेड करता है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्योंकि आप एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक तो जा रहे हो और ये स्विंग को पकड़ने में और कैच करने में और राइड करने में टाइम लगता है ओके okay? तो इसीलिए इसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है तो लोगों को सबसे पहले अपूर्व जी ये समझना पड़ेगा

कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले और सीखने से पहले आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है मार्केट में बहुत सारे लोग क्या होता है कि अपूर्व जी आई हैव सीन इन माई एंटायर जर्नी और द लास्ट एट ईयर्स लोग आते हैं ट्रेडिंग करने आज बाय करेंगे और कल ही उनको सेल करना है और फिर वो बोलते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आई डोंट थिंक सो दे आर गेटिंग इट फिक्स दे आर गेटिंग इट राइट क्योंकि आप क्या कर रहे हो सीधा आप बी टी कर रहे हो ठीक है तो और, और फिर वहां पे जैसे ही आप बोलते हो कि स्विंग ट्रेडिंग आपका रिस्क एक्सपोजर बढ़ जाता है

के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कितने तरीके से कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज मतलब आई डोंट नो हाउ हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जिसने टी किया है, वो मुझे समझ, समझ पाएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आम तौर पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं ठीक है कोई भी पैटर्न को पकड़ते हैं समझो कि कॉपन हैंडल ब्रेकआउट हो रहा है या फिर कोई भी मल्टी uh, ब्रेकआउट हो रहा है आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करते हो ट okay? तो में टिके रहना है अगर आपको मार्केट से पैसे बनाने हैं तो आपको आपका जो सब्जेक्टिव बेस ट्रेडिंग है उसको कम करना पड़ेगा उसको पूरा इरेडिकेट करना पड़ेगा उसको मिटाना पड़ेगा और आपको ऑब्जेक्टिव बेस ट्रेडिंग की तरफ जाना पड़ेगा वॉट आई मीन टू से If you want to make money, you will have to create your own trading system. If you don't have a trading system, it is going to be very tough for you to make money, क्योंकि आप कुछ अलग देखोगे और आपके पास में जो है वो कोई दूसरा अलग देखेगा मैं बोलता hu कि अगर आपको कोई trading system है और 10 लोग अगर वो trading system को use कर रहे हैं तो अगर एक जन के सिग्नल के ऊपर बाय आ रहा है तो 10 के 10 जन के so, सिग्नल के ऊपर बाय आना चाहिए That इज कॉल्ड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग सो रूल बेस्ड होना चाहिए बेसिकली ऐसे रूल्स होने चाहिए कि जो कोई भी फॉलो कर सके और कुछ क्वेश्चन है या फिर मैं आगे बढ़ू नहीं no so, uh, चीज तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के पहले okay, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें ओके okay? आपको ढूंढना पड़ेगा कि ट्रेंड मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करें क्योंकि देखो अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आ, कोई भी स्टॉक को मोमेंटम के बेसिस पे पकड़ रहे हैं अब होगा क्या कि पहली चीज तो स्विंग ट्रेडिंग आप ऐसे भी कर सकते हो अगर समझो कि कोई भी स्टॉक दो बैंड के बीच में घूमता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो यहाँ पे सेल कर सकते हो ओके विच इज कॉल्ड मीन टू रिवर्सन ट्रेडिंग विच इज ऑल्सो एम टी आर इन आर सी एम टी लैंग्वेज मीन टू रिवर्सन ट्रेडिंग Okay? This is also दो भागों में किया जा सकता है या तो आप स्विंग ट्रेडिंग रिवर्सल ट्रेडिंग के साथ में कर सकते हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के साथ में कर सकते हो ओके okay? तो मैं आपको ये वाले पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग को यूज करके कैसे करते हैं स्विंग ट्रेडिंग ओके तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहली बात है कि आपको कैच करना है मोमेंटम ओके okay? और मोमेंटम कैच अगर आप बोलोगे देखो मैं आपको भी दो तीन तरीका बताता हूं कि मोमेंटम को लोग कैसे कैच कर सकते हैं ठीक है थीके? सबसे पहला तरीका फिबोनाची ओके okay? उसमें क्या होता है कि समझो कि कोई भी स्टॉक है जीरो से हंड्रेड रुपीज तक गया और वो सिक्सटी वन परसेंट रिट्रेस करता है ओके okay? और यहां से वापस भागने लगता है तो मतलब वापस वो मोमेंटम में है और वो स्टिल अपट्रेंड में है फिबोनाची के हिसाब से अगर कोई भी स्टॉक

आप तो इसके अंदर नहीं रहेगी आप समझ रहे हो आप अगर भी पकड़ रहे हो, तो कोई, मतलब कोई दूसरा बंदा देखेगा और इसके ऊपर वाले स्विंग लो को पकड़ लेगा लो ले तो लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा स्विंग लो पकड़ू कौन सा स्विंग हाई पकड़ू हायर हाईजेंड हायर लो से तो मैं ट्रेंड को कैसे देखूं सेम चार्ट में दस लोग को दिखाऊंगा सबका अलग 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 नजरिया होगा सेम चार्ट को दस तरीके से देखने का

and thirdly you'll have to identify the minor trend okay so over here on the screen if you can see what i'm doing over here is i'm using 200 ema to filter out the long-term trend hmm. i am using 50 ema to filter out the short-term trend oh. and i'm using a uh, 21 ema to identify the minor trend. minor trend okay and if the stock is trading और इफ दॉवरिंग अबाउटेंट मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है अगर कोई ऐसा देखना स्टार्ट कर ले कोई भी स्टॉक को और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर ले तो आई गेस ये एक टाइप का ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा और इसके अंदर कोई बाधा नहीं होगी कि ऐसा नहीं की पांच लोगों को बाय मिलेगा तो पांच लोगों को सेल मिलेगा सबको इसके अंदर मोमेंटम आप ही देखेगा टम okay? तो को आइडेंटिफाई करना है और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड को फिगर आउट करना पड़ेगा जब ये आप फिगर आउट कर लोगे तो आपके पास में हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स बचेंगे वो सारे स्टॉक्स के ऊपर हमें क्राइटेरिया लगाने हैं फिर देखने कि क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न बन रहे लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बन रहे अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिसकेट एस गो फर्दर एंड ये एक मैंने चार्ट बताया है विच इज ऑफ लक्स इंडस्ट्री ओके इंडस्ट्री का चार्ट है सबसे पहले अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि थोड़ा जाएगा ही जाएगा. अगर में है, हमें कौन सी चीज का ध्यान रखना है, कि हमारा रिस्क इतना है? क्योंकि वही चीज हमें पता है हमें वो नहीं पता है कि कितना ऊपर जाएगा हमें रिटर्न नहीं पता है हमें क्या पता है खाली रिस्क पता है तो जब हम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं फिल्टर आउट कर रहे हैं मोमेंटम का तब हमें पता करना है कि क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ऊपर है क्या यह स्टॉक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में नीचे है तो अभी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है कि जब भी कोई भी स्टॉक 200 हंड्रेड ई एम ए को ब्रीच करता है ऑन द लोअर साइड वॉट है चार्ट ऑफ लक्स इंडस्ट्री और यहां पे आप देखोगे तो दिस इज टू हंड्रेडमी एंड ट्वेंटी वन ई एम ए रेड कलर का लाइन दिख रहा है

लॉन्ग शॉर्ट कि कभी भी कोई भी स्टॉक 200 हंड्रेड ई को नीचे की तरफ ब्रेक करता है मतलब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है कृपया करके वो स्टॉक को हाथ ना लगा क्योंकि हमारे ट्रेंड मोमेंटम के सिग्नल के हिसाब से वह स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर एंटर कर चुका है ओके okay? एंड उसके बाद में लाइक ऑन द टॉप ऑफ द साइड इफ यू सी टू बैंड अब लाइन इज द 50 फिफ्टी एंड द बिलो पर्पल लाइन इज द 21 वन ई एम and beautifully if you see the stock has been trending down and trending below the so called key important moving averages which is 200 ema 50 ema and 21 ema okay so this is one of the chart wherein we saw key what is the importance of 200 ema when the stock is breaching below the 200 ema on the downer side okay on uh, when the stock is breaching below the 200 ema on the lower side okay so if we go further now okay so this is the chart of Wokarta. ओके okay? ये वोकआउट का चार्ट है और यहां पे देखो तो मैंने ये बताया है कि यहाँ पे जो टू हंड्रेड ई है ओके okay? यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है जैसे ही स्टॉक ये टू हंड्रेड e को किस किया फ्रॉम द बॉटम एंड ऑफ द लाइन इसने वापस बाउंस बैक दिया यहां पे जैसे टच किया बाउंस बैक दिया बट द मूमेंट वी सो द ब्रेक डाउन ओके द स्टॉक नेवर लुक बैक ओवर हियर वी गॉट दिस थ्रो ओवर ओके इसको बोलते हैं थ्रो ओवर तो कभी कभी क्या होगा कि कोई भी स्टॉक आपको नीचे की तरफ ब्रीच करेगा ऑल ऑफ सडन वापस ऊपर आएगा तो कभी कभी आपको थ्रो ओवर देखने मिलेंगे स्टॉक्स के ऊपर ओके और ये ये थ्रो थ्रो ओवर ओवर को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कितने परसेंटेज में हो सकता है मोस्टली फ्रॉम द सीएमटी परसपेक्टिव ओके फ्रॉम द करिकुलम थ्रो ओवर आपके आ सकते हैं फाइव टू टेन परसेंट के uh, रुझाव में ओके फाइव टू टेन परसेंट के रुझाव के ऊपर जाता है मतलब आपको फेक ब्रेकडाउन uh, दिया था अगर उसके अंदर है तो ये शायद थ्रो ओवर हो सकता है एंड प्राइस वापस नीचे जा सकता है एंड द सेम थिंग हैपेंड ऑन द वो कार्ड उसके बाद में देखो वापस नीचे चले गया एंड द स्टॉक प्राइस नेवर लुक बैक सो दिस इज द इम्पोर्टेंट विच दिस इज द इम्पोर्टेंट विच एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे की अगर आप टू हंड्रेड ई एम को यूज करोगे टू फिल्टर आउट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो कितना ये हेल्पफुल हो सकता है आपको स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने में तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं जो पहला कदम है वो रख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग में कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है मोमेंटम आइडेंटिफाई करना है तो उसके अंदर तीन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड माइनर अभी हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की ओके तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं और कोई एग्जाम्पल देखते हैं ये देखो अभी ये स्लाइड के अंदर देखो मेरे ज्यादा थियरेटिकल ज्ञान मेरे को देना पसंद नहीं है ठीक है मैंने मेरा सेकंड स्लाइड ऑफ पीपीटी स्टार्ट किया है चार्ट के साथ में क्योंकि सी लेट्स बी प्रैक्टिकल लेट्स बी यू नो मतलब ऐसे बात करते हैं कि अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल में ट्रेड करेगा तो कैसे होगा ठीक है थियेटिकल वे में बता के कोई फायदा नहीं है दैट इज रीजन आई पुट ऑन लॉट ऑफ चार्ट ताकि लोग समझ सके कि हम लोग अगर स्टार्ट करें तो कैसे करें और अगर आप कर रहे हो तो आप आपका ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हो सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम ओके तो ये अगेन एक क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है

अगर कोई भी स्टॉक नीचे ब्रीच करता है 200 हंड्रेड तो कृपया करके वो स्टॉक को हाथ ना लगाए और उससे जितना दूरी हो सके उतनी दूरी बनाए रखे और वो स्टॉक के अंदर एंटर ना करें लॉन्ग पोजिशन बनाने के लिए बिकॉज देखो तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है भाई मोस्टली अगर आप कोई भी ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हो ट्विटर के ऊपर और वो स्विंग ट्रेडिंग के टुवर्ड्स अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं लाइक मी एंड मतलब हमारा जो चार्ट मुझे है उसके ऊपर मैं डाला करता हूँ आजकल मैं मेरे अकाउंट पे ज्यादा एक्टिव हो चुका हूँ तो क्या है कि स्विंग ट्रेडर जो होता है वो सबसे पहली बात तो रिटेलर के पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है तो कोई भी रिटेलर देखोगे आप शॉर्ट सेल पोजिशन कर सकता क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं होते फ्यूचर्स के अंदर एक लॉट लेने का ऑन द शॉर्ट साइड तो आप देखोगे मोस्टली जो भी मैं भी जो चार्ट डालता हूँ मार्केट अगर करेक्टिव फेज में भी होगा ठीक है जिसको बोलते हैं मीन रिवर्टिंग फेज इन आर सी लैंग्वेज ठीक है तभी भी मैं बुलिश कॉल ही देते रहता हूँ रीजन इज वॉट द रीजन इज की रिटेलर के पास में पैसे कम होते हैं ठीक है और वो शॉर्ट सेल पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप इंट्राडे खाली मतलब सेल एक दिन के लिए जा सकते। उसको नहीं मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हमें स्टॉक को दूर रहना है बाय नहीं करना है हाँ अगर कोई चाहे यहाँ पे तो शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकता है कोई कोई बोलता है कि हमारे पास में पैसे हैं रिक्वायर्ड कैपिटल है तो आप फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन बना सकते हैं और शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हैं ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल है आपको दिख रहा होगा कि देखो जैसे टू हंड्रेड को ब्रीच किया देखो द स्टॉक डिग्री मूविंग एवरेज है जो 50 21 EMA, आपको उसका डायरेक्शन देखना है कि उसका डायरेक्शन ऊपर है या नीचे है ये देखो, पे क्या दिख रहा है आपको इनका डायरेक्शन नीचे दिख रहा है नीचे. इसका मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब, exactly, इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड मोमेंटम की दिशा दिखा रहे हैं ना कि अपवर्ड मोमेंटम की दिशा दिखा रहे हैं वेरी सिंपल ओके आगे बढ़ते हैं अभी और कोई चार्ट के ऊपर देखते हैं ये देखो नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड बेसिकली स्टॉक्स करेक्ट अपट्रेंडिंग स्टॉक्स तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमने देखा उसका पूरा मिरर इमेज है कि जो भी स्टॉक वो टाइम पे नीचे जा रहे थे अभी हमें उल्टे तरीके से देखना है कि जो भी स्टॉक उट ओके सो ये आपको चार्ट दिख रहा है एल एन टी का लार्जन एंड टू ब्रो का चार्ट एंड यहाँ पे हमें मिला था टू हंड्रेड का ब्रीच ऑन दायर साइड उसके बाद में देखो

ओके एंड एंड बाय लार्ज अगर आप थोड़ा और जूम इन करो ठीक है uh, ये चार्ट्स के ऊपर तो यहाँ पे 50 एंड 21 में ट्रेंडिंग अपसाइड ये देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको उसका रुझाव देखना है ऊपर की साइड दिख रहा है या नीचे की साइड इतना सफिशियंट है इतना सफिशियंट है अगर आप इतना देख सकते हो तो ये देखो दोनों जो ई एम है ऊपर की तरफ दिख रहे हैं ओके okay? इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक अपट्रेंड में है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड से भी मोमेंटम uh, में दिख रहा है और माइनर ट्रेंड से भी मोमेंटम में दिख रहा है क्योंकि 200 हंड्रेड ई तो बता दिया कि ये अप ट्रेंड में है क्योंकि इसके ऊपर होना चाहिए अब ट्रेंड स्टॉक 200 हंड्रेड ई के ऊपर डाउन ट्रेंड स्टॉक 200 हंड्रेड ई के नीचे तो ये एक और स्टॉक है जो हम देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो सेम चीज मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुनील ये सब क्या है मतलब बार बार एक चीज दिखा रहे हो देखो यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोगों को डिसिप्लिन नहीं होता है ठीक है और मैं बार -बार इसीलिए दिमाग में फिट हो जाए उनके चाहिए। उसके बाद में हम लोग और ड्रिल डाउन करेंगे यूजिंग ट्वेंटी तो यहाँ पे जैसे ही ब्रिज हुआ हमारे लिए एक अपट्रेंड में आ गया और उसके बाद में देखना है कि हमें इसके अंदर करना क्या है तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो प्राइस ऊपर गया यहाँ पे वापस नीचे आया बॉटम एंड ऑफ द चार्ट ने इसको 200 हंड्रेडम को टच किया और यहाँ से वापस ऊपर जाने लगा और यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है आपको मिला ये, आ, चार्ट मैंने थोड़े पहले टाइम के लिए हुए मैंने अपडेट नहीं किए तो इसीलिए आपको अभी अपडेटेड प्राइस नहीं दिख रहा है मोटा मोटी आपको ये समझना है कि आ, ये जो स्टॉक प्राइस था ये देखो आपको ये चीज दिख रहा है यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ अपूर्व जी और क्रॉस ओवर के आसपास ही हमें ये ब्रेकआउट देखने मिला तो इसका मतलब ये है वो लॉन्ग टर्म ई एम ए को क्रॉस करता है और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक आ, मतलब अच्छा मोमेंटम देखने मिला और उसके बाद में प्राइस ऊपर की तरफ दिशा दिखा रहा था ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि एक अप्रेंडिंग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें तो आई uh, होप अब यहां तक अगर कोई ये वीडियो देख लेगा तो उसको इतना आइडिया आ जाएगा कि एक स्टॉक को फिल्टर आउट कैसे करना है देखो मार्केट में पांच हजार से ज्यादा कंपनीज है आपको देखना है आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है मूविंग uh, एवरेज मतलब आपके जो इंडिकेटर वाला जो रिबिन uh, है उसमें जाके आपको ई एम सर्च करना है ई एम आई टू हंड्रेड ई लगाना है और उसके बाद में आपके जो स्टॉक्स है आप उसको फिल्टर आउट करो जो स्टॉक टू हंड्रेड के ऊपर है वो स्टॉक्स को आप अपने रिसर्च के लिए ले सकते हैं ओके okay? और उसमें से आप फिल्टर आउट करोगे पांच दस स्टॉक जो स्ट्रांग मोमेंटम में दिख रहे हैं ट्वेंटी है, आपको दस पंद्रह स्टॉक मिलेंगे वो सारे स्टॉक के ऊपर जो मैं आपको स्टडी सिखा रहा हूं, वो को आपको अप्लाई करना है said, said, is, अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मार्केट में कोई अपट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहे

और लाइकवाइज सीख सकता है ये नंबर ड्रेवन हो गया तो किसी के पास चार्ट्स नहीं भी है तो भी वो मूविंग एवरेज तो प्लॉट कर ही सकता है कैलकुलेट कर ही सकता है इजीली परफेक्ट परफेक्ट सो दैट बीइंग सेड लाइकवाइज व्हाट आई डन इज मैंने स्टॉपलॉस को लगाने का तरीका बताया है देखो मैं यहां पे ऐसा नहीं बता रहा हूं कि खाली मैं ही राइट हूं देखो एक बंदा कभी राइट नहीं हो सकता वो अकेला बहुत सारे मार्केट में हजारों ट्रेडिंग सिस्टम है सब ट्रेडिंग सिस्टम काम करते हैं आपको पता रहना चाहिए कि आपके लिए कौन सा सिस्टम काम कर रहा है ठीक है और आप कौन सा सिस्टम यूज करके आ, वेन यू यू आर लूजिंग विल लूज वेरी लेस बट वेन विन यू आर विनिंग यू विल विन वेरी बिग तो मेरा ट्रेडिंग अप्रोच वैसा है तो सेम तरीके से मैं अलग अलग जरिया बताऊंगा स्टॉप लॉस को लगाने का फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा यूज करता हूं आपको जो पसंद है सर आप वो यूज कर सकते हो

चार्ट पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट हो रहा है समझो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो वो ब्रेकआउट होने के पहले जो भी एक स्विंगलो था चार्ट के ऊपर रीसेंट स्विंग, लो, देखो, स्विंग लो, जो रीसेंट स्विंग लो है ओके जैसे कि ये चार्ट है ओके तो हमारे ये चार्ट के लिए रीसेंट स्विंग लो होगा ये और ये है हाई वैसे ही आपको ये जो हायर हाई दिख रहा है स्विंग लो होगा हमारे लिए ये परफेक्ट तो हम क्या करेंगे ये रिसेंट स्विंग लो के यहाँ पे जो कैंडल बना है ओके वो कैंडल का जो लो प्राइस है वहां पे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे परफेक्ट वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बाय कहां करेंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है कि सर बाय कहां करें सिंपल चीज है और अपरव यू वन बिलीव लोग मेरे को ये क्वेश्चन ट्विटर के ऊपर बार बार पूछते हैं इससे मेरे को ये पता चलता है कि यार आपको पता ही नहीं है कि एंट्री कैसे लेनी है भूल जाओ कि आप प्रॉफिट कैसे राइड करोगे ट्रेंड को कैसे राइड करोगे उतनी ताकत तो लोगों में होती नहीं है होता नहीं है सबसे पहले आप एंट्री कैसे करना है वो अच्छे से सीख लो सर और ये थोड़ा सीख लोगे तो शायद आपके कई काम आ जाए और आपका थोड़ा ट्रेडिंग सिस्टम और इम्प्रूव हो जाए तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल होता है ना सर समझो कि ये कोई पैटर्न है समझो कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न है यहां पे कोई ब्रेकआउट होता है तो ये जो फर्स्ट कैंडल होता है ना इसको बोलते हैं सिग्नल कैंडल ये फर्स्ट होता है सिग्नल कैंडल अब इसके इसके ऊपर जब भी, भी ये कैंडल समझो कि ये कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल जिसको ऑल्सो बोलते हैं कि सिग्नल कैंडल अगले दिन जो प्राइस बनेगा और इसके इसका जो हाई है उसको ब्रीच करेगा तब यहां पे एंट्री करनी है सर ओके okay. ओके okay, तो ये जो दूसरा जो कैंडल बनेगा ये आपके लिए होगा कंफर्मेशन कैंडल तो दो टाइप की कैंडल होती है एक तो होती है सिग्नल कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल आपका ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे लिए सिग्नल कैंडल था और ये जो कैंडल बना ये था कंफर्मेशन कैंडल परफेक्ट परफेक्ट तो यहाँ पे हमें जैसे ही हाई टूटता है है ब्रेकआउट कैंडल का यहाँ पे एंट्री करना है, और ये हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल बन जाएगा ठीक है तो ये एक तरीका है आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो नाउ यहाँ पे क्यों लगाना है मतलब ये कोई मैजिक तो है ही नहीं कि यहां पे लगा दो स्टॉप लॉस रीजन क्या है रीजन यही है कि मार्केट मार्केट के अंदर क्या होता है कि ये देखो अगर किसी को पता होगा कि जो चार्ल्स डाउन ने जो स्टडी किया था 35 years, तो बेसिकली वो वॉल स्ट्रीट का का पेपर भी लिखते थे तो उन्होंने साल से स्टॉक मूवमेंट को वॉच किया था कि मार्केट कौन सी दिशा में चलता है और कैसे चलता है तो उन्होंने बताया था कि एक हायर एंड हायर लोस के फॉर्म में चलता है तो जब भी कोई भी स्टॉक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट चार्ल डाउड चार्ल्स डाउन ने यह बताया था कि जब भी कोई भी स्टॉक उसका जो रिसेंट स्विंग लो नहीं तोड़ता है तो वो एक अपट्रेंड में होता है और ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि वो अपट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेगा जब तक रिसेंट लो को ब्रीच नहीं करता है पैंतीस साल की आ, मतलब टाइम फ्रेम तक चार्ल डाओजी ने यही काम किया और यही हम लोग मेथड पे यूज कर रहे हैं कि जो रिसेंट स्विंग लो है ओके उसको हम लोग लगाएंगे क्योंकि अगर वो नहीं टूटता है तो प्राइस ऊपर जाएगा एंड वी कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस अपमूव ओके तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस कैसे लगाने का स्विंग लो को यूज करके ओके अभी दूसरा मेथड देखने देखते हैं कि स्विंग मतलब और क्या मेथड यूज करके हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ठीक है तो ये देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे ओके यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो भी हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सीखा था तो ये हमें दिख रहा है फिनोलिक्स केबल का चार्ट जो भी और जितना भी मैं सिखा रहा हूँ सारे प्रैक्टिकल चार्ट के साथ में सिखा रहा हूं ताकि लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सके ओके mm. तो ये जो देखो ये, ये जो स्टॉक था वो एक अप ट्रेंड में था और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये लार्जर ट्रेंड भी ऊपर है शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी ऊपर है और माइनर ट्रेंड भी ऊपर है ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया मोमेंटम है perfect, perfect. जो हमने में था। अब एंट्री ले रहे हैं है। ले रहे तो वहां पे क्या हम लोग लॉस कैसे लगा रहे जो अभी हम लोग ने सीखा था कि जो ब्रेकआउट कैंडल हो गया देखो मैंने यहाँ पे टेक भी किया हुआ है ब्रेकआउट कैंडल ये जो ब्रेकआउट कैंडल है जैसे ही इसका हाई टूटेगा यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे

तो अगर हम यहां जाएंगे ना अपूर्व जी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा और मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग है तो प्राइस उसके नीचे कभी नहीं आना चाहिए ये थोड़ा मैं एक मिनट इसके ऊपर स्पेंड करना चाहूंगा बाद में हमारा थोड़ा स्पीड फास्ट हो जाएगा क्योंकि बेसिक कंसेप्टर क्लियर क्लियर हो जाएंगे अगर ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज है समझो कि कोई ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज है तो कभी भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर ब्रेकआउट कैंडल वाइड रेंज नहीं है और नेरो रेंज है तो वो टाइम पे स्विंग लोके प्राइस नीचे आ सकता है अगर आ गया लॉस को हिट करेगा और हमें एग्जिट लेना है क्योंकि एनी विच के प्राइस नीचे आता है तो मतलब ये फेक मूव है और सर अगर ये यह यह यहां तक आ रहा है तो यह यहां तक भी आएगा ही सर तो हम लोग जल्दी क्यों नहीं एग्जिट कर ले और मेरा मकसद ये होता है सो बेसिकली लूजिंग पोजिशन में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए निकल जाना चाहिए जल्दी परफेक्ट 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 वही वही मकसद है ओके okay? तो अभी ये हम लोग पे यूज कर रहे हैं सेटिंग स्टॉप लॉस यूजिंग मूविंग एवरेज ओके तो यहाँ पे अभी अगर कोई स्विंग लो को यूज नहीं करना चाहे ब्रेकआउट कैंडल का लो नहीं यूज करना चाहे तो वो सिंपली ट्वेंटी वन ई एम ए को लगा सकता है और जो भी आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो वहां पे आप ट्वेंटी वन ई एम ए को प्लॉट करो और जो भी ट्वेंटी वन ई एम ए का वैल्यू है उसको आप एज ए लॉस लगा लो और फिर आप अपने पोजिशन को राइड कर सकते हो ठीक है तो ये कोई सिंपल चीज सीखने की जरूरत नहीं है हम लोग स्टॉप लॉस लगाना सीख रहे हैं मूविंग मूविंग एवरेज एवरेज का का यूज करके जो भी प्रिंट है वो टाइम पे आएगा चार्ट के ऊपर वो प्रिंट को यूज करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ठीक है तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहेगा तो मैं आगे बताऊंगा और ये जो तीसरा है स्टॉप लॉस लगाना ओके तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ओके तो इसके अंदर यह हो रहा है कि जो भी स्टॉक में बाय करूंगा समझो मैंने बताता हूं और मैंने ये सोचा कि अब सिखा रहे तो अच्छे से सिखा देते हैं ठीक है थीके? तो मैंने मेरा जो भी पेड कंटेंट है मैंने ये पीपीटी के अंदर डाल दिया और इसके अंदर मेरा रूल ऐसा है कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो सबसे पहले तो ये समझते हैं अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो या तो भगवान ओनली अ गोड एंड be इज uh, target इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग बिकॉज स्काई इज द लिमिट फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा अच्छा मैं आपको पूछूं कि uh, uh, कोई कोई स्टॉक है ठीक है कोई केबल की कंपनी है क्योंकि केबल की थीम अभी पिक्चर में चल रही है तो कोई स्टॉक है एबीसी उसका प्राइस है आपको लगता है कितना ऊपर जाएगा आप आंसर नहीं दे पाओगे मुझे क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कौन सा स्टॉक कितना भाग सकता है तो मैं ये बोलता स्ट्रेंथ मोमेंटम स्विंग ट्रेडर हमारा काम है कि राइट right एंट्री लेना मिनिमम रिस्क डिप्लॉय करना और वो ट्रेंड को राइड करना जितना हो सके जब तक हमें एग्जिट नहीं मिले अब इसमें आते हैं मोमेंटम बस्ट की बात अब मोमेंटम बस्ट वाले क्या करते हैं वो ब्रेकआउट होने से पहले खरीदते हैं दो टक्के का लॉस लगाते हैं वो लोग पे खाली कर देते हैं वो काम हम नहीं करते हैं वैसे भी ट्रेडिंग होती है लेकिन हम प्रॉपर एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को यूज करते हैं ट्रेंड राइडिंग सिस्टम को यूज करते हैं और जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलता है एग्जिट सिग्नल तब तक वो स्टॉक को राइड करते हैं यहां तक क्लियर है ठीक है तो यहां पे मोटा मोटी समझ लेते हैं कि एग्जिट कैसे करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे सबसे पहले चीज हम लोग जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे हमारा जो ईएमए एम ए होगा वो होगा नाइन ई एम एकेशल ई एक्टिंग एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओके और सबसे पहला रूल कि आपका जो कैंडल है ब्रेक डाउन कैंडल जो आएगा ईएमए के ऊपर वो नीचे क्लोज होना चाहिए ईएमए के बेसिस पे ओके okay? तो ये जो लाइन दिख रहा ना ये ब्लैक वाला लाइन ये नाइन ईएमए है और ये जो फर्स्ट कैंडल है नीचे क्लोज होगा इतना समझा अपूर्व जी ओके okay. दूसरा रूल ये है ओके और और ये हमें बहुत फेक मूव से बचाएगा और जो हम प्रैक्टिकल चार्ट पे भी देखेंगे बहुत जल्दी दूसरी कैंडल कैंडल जो बनेगी वो रेड होना चाहिए सबसे पहली बात दूसरी बात जो प्रीवियस कैंडल का लो है यहाँ पे थोड़ा लोगों को कंफ्यूजिंग लगेगा ये क्योंकि थोड़ा सा टफ है समझना जो प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसके नीचे सेकेंड कैंडल का लो होना चाहिए मतलब ये है

तो जो दूसरा कैंडल बनेगा दैट शुड बी बेरिश कैंडल फर्स्ट रूल द सेकेंड रूल इज दैट शुड बी क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस कैंडल लो दैट शुड बी क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस कैंडल लो इफ दैट इज हैपनिंग वी गॉट अ एग्जिट रूल एंड वी आर गेटिंग स्टॉप हियर एंड वी हैव टू टेक द एग्जिट फ्रॉम द पोजिशन यहां तक क्लियर है सर hmm. चलो तो अभी आगे चलते हैं और ये देखो ये हम लोग मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेल कर रहे हैं पोजिशन को ये एक आ, रियल लाइफ प्रैक्टिकल चार्ट है एमआरएफ लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ओके और यहाँ वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है अभी पैटर्न के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे नहीं तो सेशन चार घंटे का हो जाएगा ओके तो यहाँ पे एक ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना है और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है अगर वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है और ये मुझे आप इतना बताइए जी ये वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल है या नेरो रेंज ब्रेकआउट कैंडल है

हमें एज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हुए ओके कभी पता नहीं चलेगा कि कहां पे एग्जिट होने वाला है तो हम लोग यहाँ पोजिशन एंटर करते हैं और यहाँ पे क्या हुआ है क्या आप एक्सप्लेन करोगे सर तो उसके नीचे एक क्लोज हुआ है और दो बैक टू बैक रेड कैंडल्स बनी है जहां तो पे है। द लो इज द लो लो इज लोअर देन द फर्स्ट कैंडल्स लोअर वाह हमें यहाँ पे एग्जिट सिग्नल मिल गया देखो अब ये देखो यहाँ पे भी तो नीचे गया ना लेकिन यहाँ पे हमें एग्जिट मिला क्या अपूर्व जी नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि उसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे नहीं है आप समझ रहे हो तो हम लोग ये जो फेक मूव था इससे बच गए और यही मतलब इसका इंपोर्टेंस है नाई नहीं, नहीं, नहीं है मेरे को ये वाले रूल को फॉलो करने का आई होप इतना समझ में आ गया होगा एंड अभी थोड़ा आगे चलते हैं ये देखो ये अगेन दूसरा चार्ट है सेटिंग अप यूजिंग मूविंग एवरेज ये एक चार्ट है पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज का और ये यूएस का कंपनी है ओके okay? इंडिया का कंपनी नहीं है ये यूएस का चार्ट है और ये देखो मैंने यूएस का चार्ट इसीलिए लिया है कि मैं बताना चाहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस इज सॉर्ट ऑफ एग्नोस्टिक इट वर्क्स एवरीवेयर आप पूरे ब्रह्मांड में कहां पे भी चले जाओ अगर वो ट्रेडेबल सिक्योरिटी है लिक्विड है और कैंडल सिक्स पैटर्न बनते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस सब जगह काम करेगा तो ये यूएस के स्टॉक में भी काम किया ये कौन सा पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न पैटर्न ये इन्वेंट किया गया था जॉन एंड एडवर्ड ओके वेस्टर्न में उन्होंने इन्वेंट किया था क्योंकि पहले तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ऐसे देखते थे ये देखो प्राइस नीचे जा रहा है ये देखो लोग ऐसे इसको देखते हैं ठीक है यहाँ पे ब्रेकआउट होगा लेकिन ये पैटर्न जॉन एंड एडवर्ड मगी ने बताया कि ये पैटर्न अप्रेंड में भी बन सकता है ओके

यस सर यस सर दैट इज रूल और सर यही ट्रेडिंग सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले आठ साल से ठीक है इट इज मेकिंग मनी फॉर अस बट लोगों को समझना पड़ेगा कि आपने कोई स्टॉक आज लिया वो पांच दिन तक यहीं पे सड़ाएगा वो तीस दिन तक यहीं यही पे सड़ाएगा और जब भी आपको पेशेंस को टेस्ट कर रहा होगा तो आपको टिके रहना है जब तक आपका एग्जिट सिग्नल नहीं आता है ओके okay? तो ये है देखो अगेन मैंने एक बताया कि आपको डाउन साइड पे भी ये काम करेगा ये देखो नीचे ब्रेक डाउन कैंडल आया फ्लैग पैटर्न था वॉल्यूम भी अच्छा था

9 को नीचे से ऊपर के साइड दूसरा कैंडल भी जो प्रीवियस कैंडल था उसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए अगेन द मिरर इमेज ऑफ द गेट गेटिंग आउट ऑन द लॉन्ग साइड ओके तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और ये है सेटिंग अप पैटर्न बेस्ड टारगेट ओके तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि टारगेट कौन से तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं दो ही तरीके होते हैं जहां तक मुझे पता है ठीक है मोमेंटम बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कि या तो आप पैटर्न बेस्ड टारगेट लगा सकते हो अपूर्व जी ठीक है uh, कोई दूसरा होगा मेरे साथ में आर्ग्यू करेगा कि सुनील वाई डोंगेटेटिंग रिट्रेसमेंट ठीक है रिट्रेसमेंट 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 एक्सटेंशन को यूज कर लो retracement नहीं इज फॉर टेकिंग द पोजिशन एक्सटेंशन इज फॉर पुटिंग अप द टारगेट तो आप एक्सटेंशन को यूज कर सकते हो लेकिन अगेन अपूर्व जी वो ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब आप आप कोई दूसरा स्विंग लो स्विंग हाई पकड़ोगे आपका एक्सटेंशन अलग रूल बताएगा कोई दूसरा बंदा होगा कोई दूसरा स्विंग लो स्विंग हाई पकड़ेगा तो उसका टारगेट कुछ अलग आएगा तो मेरे भाषा में वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ठीक है लेकिन मोटा मोटी दो तीन तरीके से आप स्टॉप लो टारगेट लगा सकते हैं फिबना पैटर्न बेस्ड टारगेट पैटर्न बेस्ड टारगेट मतलब ये होता है कि जो पैटर्न का डेप्थ है द डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ एंड द नेक लाइन आई एम रेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द डेप्थ एंड द नेक लाइन यू हैव टू पुट दैट फ्रॉम द ब्रेकआउट जोन व्हेन यू पुट दैट यू गेट द टारगेट एंड वो टारगेट के वहां पे आपको एग्जिट लेना है अगेन मैं बोलता हूं जब हम एनी विच वेज ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारा हिट रेशियो होता है ना अपूर्व जी वो होता है साठ परसेंट के आसपास में ओके ऑन एन एवरेज जब बुल मार्केट होता है ना तभी हमारा हिट रेशियो सत्तर से अस्सी टका होता है कोई अगर बोलता है ना अपूर्व जी कि मैं रोज पैसा कमाता हूं मैं मतलब कभी रोंग नहीं जाता हूं या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसको कुछ नहीं पता है ठीक है तो ऐसा ऐसा कोई बंदा नहीं है कि मार्केट में ट्रेड करेगा और उसका हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी होगा अगर आपके पास में कोई आता है जो भी लोग जो भी व्यूअर्स देखेंगे कि मतलब मेरे पास में हंड्रेड परसेंट शॉर्ट शोर्ट स्ट्रेटेजी है आप मतलब सो माइल दूर रहिए क्योंकि ऐसा मार्केट में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि वो हंड्रेड परसेंट हिट रेशियो किसका होगा सारे लोग पैसे जुटाते हैं बनाते हैं जुटाते हैं बनाते हैं और आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना कमा रहे हो और कितना जुटा रहे हो ठीक है कमिंग बैक टू वोट आवर स्टॉकिंग जब हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग तो वो टाइम पे हमारा हिट रेशियो ही सिक्सटी परसेंट होता है अपूर्व जी और जब हम दस में से छह टाइम ही राइट है चालीस टका तो वैसे ही गलत होने वाले हम ठीक है वो ब्रेकआउट फेक होगा ठीक है हमारी पोजिशन लिक्विडिटी के कारण कट जाएगी ठीक है और आ, राइट एंट्री नहीं लिया होगा ठीक है साइकोलॉजिकल इश्यू आगे रहेंगे किसने ओवर ट्रेडिंग कर लिया होगा तो मैं बोलता हूं कि टारगेट किसी को नहीं पता है लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं मुझे तो पैटर्न बेस्ड टारगेट यूज करना है तो सर आप यूज कर सकते हो इसीलिए मैंने इसके पीपीटी के ऊपर डाला है कि आप ओपन रहो आइडियाज के लिए आपको जो यूज करना आप यूज कर सकते हो लेकिन मैं क्या यूज करता हूं वो मैं बताऊंगा ठीक है तो पैटर्न बेस्ड टारगेट समझ गया समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट पॉइंट से ये जो द डिफरेंस बिटवीन डेप्थ टू द नेक लाइन वो जो डिफरेंस है ये दस टके का डिफरेंस है तो दस टके का डिफरेंस यहां से यहां लगा लो ये आपका टारगेट मिल जाएगा ओके और जैसे ही प्राइस जाएगा यू कैन टेक द एग्जिट चलो कैन यू सी दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एन शायद रिटर्न के चार्ट भी दिखेंगे आपको. UK, Singapore, मैंने अलग-अलग मार्केट -अलग से लिए. देखो, है, okay? Bullish rectangle, a continuation pattern, देखो, है. ये रहा. और यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे लेकिन मुझे एक चीज बताओ नाइन अभी तक आप तो आपको एग्जिट दिया था अपूर्व जी hmm. नहीं दिया था बराबर तो ये ब्यूटी होती है नाइन को यूज करने का ओके क्योंकि अगर आप ट्रेंड फॉलोवर हो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो मोमेंटम बेस्ड अगर आप यहां पे एग्जिट कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर रहे हो सर ओके तो आपको ट्रेंड को राइड करना है एज लॉन्ग एज यू कैन और सबसे पहला पेज सीएमटी लेवल वन क्या बताया है कि एज अ टेक्निकल एनलिस्ट अवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड एज सुन एज पॉसिबल एंड राइड इट The time it bends. Okay? तो सेम चीज़ हमें यही करनी है, हमें है अगेन, क्योंकि हमारे पास में टाइम कम होगा अगेन पैटर्न बेस्ड टारगेट टारगेट अचीव ऑन साइड दिस वॉजरी चार्टिंग पार्टान्स अब ये है हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप ओके इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये है चार्ट है टीवीएस मोटर का ओके okay? मैंने मतलब बहुत सारे चार्ट डाले भर भर के इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये मंथली टाइम फ्रेम है okay? अब एक क्वेश्चन सबके अंदर होगा मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना पता लग गया स्टॉप लॉस कैसे लगाना पता लग गया टारगेट कैसे करना है वो पता लग गया लेकिन स्टॉप लॉस लगाना वो कितना लगाना है तो मेरा रूल है और ये मैं इतने सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ कि जी डेली टाइम फ्रेम है ना पांच से आठ के ऊपर कभी रिस्क नहीं करेंगे ओके वीकली के कभी रिस्क नहीं करेंगे। अच्छा मतलब क्या जो ब्रेकआउट कैंडल होगा और जो ब्रेकआउट कैंडल का लो होगा या फिर स्विंग लो होगा इतना हम लोग इससे ऊपर स्टॉपलॉस दे सकते अगर आपको कोई कैंडल दिखता है इतना बड़ा बना हुआ जिसका स्टॉप लॉस मंथली टाइम फ्रेम के चालीस परसेंट है सर आप उसको छोड़ दीजिए। वो, का वो काम का नहीं है हमारे लिए ब्रेकआउट तो कैंडल आया देखो फॉलोइंग रेजिस्टेंस सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है ये असेंडिंग चैनल नहीं बोलते डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं ठीक है इसको इसको डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बोलते हैं ओके ये ब्रेकआउट आया और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अभी देखते हैं आगे क्या हुआ ठीक है ये देखो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा ये 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 चार्ट था और ये चार्ट में क्या हुआ यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल आया अच्छा खाली इतना बता दो कि एंट्री क्या करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ होगा अपरू एक बार वापस बता दीजिए ये आपने चार्ट पे ऑलरेडी मार्क करके ही रखा हुआ है <laughs> बराबर तो ये जो कैंडल का जो हाई होगा वहां पे एंट्री करेंगे और जो कैंडल के जो एकदम नीचे जो बॉटम होगा वहां पे हम लोग स्टॉप बराबर ठीक है अभी किसके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर वीकली टाइम फ्रेम मंथली डेली क्या सबके ऊपर नाइन करना है हाँ जी मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है नाइन ई एमए को उसको नाइन ई एम ए लगाना है ट्रेलिंग के लिए को इसका एक सवाल था कि जनरली जो फिबोनाची फॉलोअर्स होते हैं वो अगर शॉर्ट टर्म वाला मूविंग एवरेज कोई यूज करना है तो या तो एट डे लगाएंगे या तो फिर अगर कोई मान लीजिए ऐसी नॉर्मल जो डिफॉल्ट यूज करते हैं तो टेन वाला लगाते तो आपने दोनों के बीच का क्यों निकाला है देखो अभी आप बोलोगे कि मतलब नाइन ई एम एम ऐसा क्या मैजिक है कैसा है कि ये आपका तो बेसिकली क्या होता है कि जो दो वीक का जो मोमेंटम होता है ना मोरलेस टू वीक का मोमेंटम मार्केट देखो मैं आपको अगर आप देखो बहुत सारे बहुत सारे जो इंडिकेटर हैं वो फोर्टीन पीरियड के लिए यूज होते हैं देखो पीरियड से नीचे क्योंकि मतलब मोमेंटम के बेसिस पे क्या होता है कि दो वीक का जो डेटा है टाइम फ्रेम है वो डिसाइड करता है कि आगे आने वाला मूव कैसा हो सकता है कैसा होगा नहीं बताता है कैसा हो सकता है तो ये जो नाइन ई है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टू वीक डेटा पॉइंट And that two week data point tells you कि अगर मोमेंटम वैसे ही ब्रीच हुआ है, अगर fade away हो गया है तो वैसे ही वो नाइन के हमने एंट्री किया यहाँ पे तीन सौ अठारह परसेंट का रिटर्न अगर कोई बोलता है ना पूर्वजी की स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया जा सकता है ओके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है तो कंप्लीट रॉन्ग है ठीक है ये आपके सामने है हम लोग ने पोजिशन लिया शायद uh, 2014 दिसंबर के आसपास और एग्जिट लिया होगा 2015 मिड में ओके डेढ़ साल तक ये पोजीशन में टिके रहे अब मुझे बताओ सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप को पूछो और मैं बता देता हूं ठीक है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड मार्केट में एक महीने से कम है दो महीने से कम है सर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो पहली चीज आप सट्टा कर रहे हो आप मनोरंजन खेल रहे हो मार्केट में मनोरंजन कर रहे हो वो स्विंग ट्रेडिंग बोल ही नहीं सकते उसको क्योंकि सर आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड मार्केट में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो दो से तीन महीने से नीचे हो ही नहीं सकता अगर आप नाई नीएम को यूज कर रहे हो अगर आप पैटर्न बेस्ड टारगेट भी लगाते हो तो उतना टाइम लगेगा और इतना टाइम किसी को नहीं होता है जी और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेलर्स की कि आज बाय किया कल ही उनको चाहिए कि शेयर का प्राइस ऊपर चले जाए आज बाय किया परसों ही उनको एग्जिट करना है ऐसे पैसा नहीं बनेंगे सर सिंपल है और मैंने आज भी बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए अगर टाइम रहेगा तो उनको वॉच करेंगे और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर मेरी खुद की पोजिशन थी वो भी मैं बताऊंगा इफ यू हैव द टाइम ओके चलो मूविंग फर्दर दिस इज द चार्ट कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप अभी इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कोई बताने की जरूरत नहीं है हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का मतलब इसके अंदर पांच से आठ टके ऊपर हम लोग बीओ पे रिस्क नहीं करेंगे ब्रेकआउट पे ये ब्रेकआउट कैंडल था एंट्री यहां करेंगे स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे ब्रेकआउट कैंडल है रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न विद ह्यूज वॉल्यूम स्पर्ट

तो मतलब ये फेक मूव था यहाँ पे एग्जिट नहीं करना था ठीक है लोग क्या करते हैं कि लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही प्राइस नीचे जाता है अब देखो पहली चीज तो आप ये देख लो एंट्री यहाँ किया एक दो तीन चार ये ना बीस दिन तक यही सड़ाया ये दिन तक ना अपूर्व जी ये यही सड़ाया ना तो ऊपर गया ना नीचे गया यही पे लोग पेशेंस को लूज कर देते हैं अब ये चीज में बोल के नहीं सिखा सकता क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज है जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे उसको इनग्रेन नहीं करोगे आप खुद बैठ के तब तक आप नहीं सीख सकते मैं मैं तो चला ही नहीं लोग पे एग्जिट हो जाते हैं तो ये नहीं चढ़ेगा ये, ये वो टेक इज व्हेन यू सी द प्राइस मूविंग फिर वो बोलते हैं कि यार हमें तो ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई ऐसा कोई कैमरा लगा के बैठा हुआ है ठीक है जैसे ही हम हाँ एंट्री करते हैं प्राइस नीचे जाता है जैसे ही एग्जिट करते हैं प्राइस ऊपर जाता है ठीक है वो कोई कैमरा लगा के नहीं बैठा है सर साइकोलॉजी ऐसी काम करती है ठीक है और आपको पेशेंस रखना है अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपका कैमरा वैमरा दिमाग में कुछ नहीं आएगा एंड यूल टू राइट द स्टॉक इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर कमिंग बैक टू वॉट आवर स्टॉकिंग ये फेक मूव था ये देखो ये भी फेक ये फे, भी फेक मूव था कैन यू सी ओके और यहां पे भी एग्जिट नहीं मिला ओके okay? और क्या यहां पे एग्जिट मिला Nine. नहीं मिला

मतलब आप जितने भी स्टॉक्स मोमेंटम में चल रहे हैं आप एक काम करना नाइन ई एम लगाना और मुझे बता देना कि वो स्टॉक ने कब एग्जिट दिया ठीक है बहुत सारे स्टॉक है अब तक एग्जिट ही नहीं दिया नाइन ई एम पे ठीक है सो आ, वही बात है कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप पैसा बना जाओगे अगर आप वही फॉलो नहीं करोगे सिस्टम को तो वेरी टफ टू मेक मनी अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बेस्ड वाला होता तो देखो अप्रो जी ये ये विथ का डिफरेंस होता है वो शायद यही निकल जाता है एम आई करेक्ट

और तो इन्हें यूज करके कैसे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर तो करना है और फिर कैसे इनसे हम स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते ब्रेकआउट स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते ये देखा फिर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स कैसे मेंटेन करने ये भी देखा आगे आने वाले एपिसोड में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और भी बहुत सारे तरीके देखेंगे जिनसे आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग